कैटेगरी ऑफ पर्सन्स रिक्वायरिंग कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, मतलब इन लोगों को नंबर लेना ही पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी टर्नओवर कितनी है। कौन कौन है वो लोग? जो भी कोई इंसान इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है इंटर स्टेट, उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और आप एक टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, अब आप बोलोगे ये सर ये कैजुअल टैक्स पेयर क्या होता है, सॉरी इसको यहां नहीं यहीं पे समझते हैं, ये कौन होता है, ये कौन होता है सर? सो बेटा ये वो लोग होते हैं जो मौसम के हिसाब से अपना बिजनेस करते हैं, मौसम के हिसाब से। जैसे अगर कहूं मैं तो स्वेटर्स का काम सर्दियों में होता है और टी शर्ट का ज्यादा काम गर्मियों में होता है। क्लियर? मान लो मुझे एक एग्जीबिशन करना है, मेरा ऑफिस मतलब मेरा जो इंस्टीट्यूट है, रजिस्ट्रेशन है, वो दिल्ली में है। ठीक है, वो दिल्ली में है और मुझे जो अपना एग्जीबिशन करना है वो करना है मुंबई में, और मुंबई में मुझे एक होटल में मतलब एक इंस्टीट्यूट है, मुझे वहां करना है, होटल छोड़ देते हैं, इंस्टीट्यूट में करना है। लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट है, अब रिक्वायरमेंट क्या होगी कि मैं वहां से क्या करूंगा, जाऊंगा अपना बिजनेस करके वापस आ जाऊंगा। सपोज करो मेरा बिजनेस होगा 40 लाख रुपए का, एग्जाम्पल लेते थे। ठीक है, अब पहली चीज तो मेरी लिमिट क्रॉस कर चुकी है, 40 लाख रुपए, 20 लाख से लिमिट क्रॉस कर गई। इसको और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 15 लाख रुपए मैंने बिजनेस किया, मेरा रजिस्ट्रेशन कहाँ पर है? यहाँ पर है। मैं वहां पे शायद दोबारा अगले साल जाऊंगा, कहाँ पर? मुंबई में, उस इंस्टीट्यूट के अंदर नेक्स्ट ईयर जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं 15 लाख का बिजनेस करके वापस आ गया, तो उस 15 लाख रुपए के ऊपर गवर्नमेंट बोलती है आप तो आए हमारे यहाँ पे, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलेगी आप यू केम एट आर प्लेस, यू अर्न द मनी बट यू डिड नॉट गिव आर पोर्शन ऑफ जीएसटी, वाई क्यों नहीं किया आपने? आप आइए। मैंने कहा मैडम देखो जो भी वहां का सीएम है मैं उसको बोलूंगा कि देखो सर बात सिंपल सी है, मैं यहाँ पे सिर्फ 4 दिन के लिए आता हूँ, मैं 4 दिन के लिए नंबर थोड़ी नहीं लूंगा यहाँ पे। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल विद दिस। मैं अगर 4 दिन जा करके एक साल में काम कर रहा हूँ कहीं पर, तो क्या एम आई रिक्वायर्ड टू टेक अ जीएसटी नंबर ओवर दैट प्लेस? गवर्नमेंट ने बोला बात तो सही है यार, आप पूरे साल में एक टाइम पे सिर्फ 4 दिन के लिए आ रहे हो, तो मैं आपको पूरे साल के कंप्लायंसेस के बर्डन के नीचे नहीं डाल सकती। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, तो आप मुझे जीएसटी नहीं ले सकते। तो गवर्नमेंट ने कहा यार बात तो सही कह रहा है ये, लेकिन इसमें लॉस तो हमारा हो रहा है, इसमें हमारा लॉस हो रहा है। गवर्नमेंट ने बोला ना हमारा लॉस हो रहा है इसके अंदर। तो गवर्नमेंट केम विद अ सॉल्यूशन कि ठीक है इनको, आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। मैंने कहा बिल्कुल बताइए। उन्होंने बोला आप एक कैजुअल टैक्स पेयर बनिए। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने बोला आप जब हमारे यहाँ पे आने वाले हैं, जब से ही हमारे यहाँ पे आने वाले हैं, आप हमसे कैजुअल नंबर ले लीजिए। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा बिल्कुल सही सवाल, इसका मतलब ये है आपका वो जो जैसे नॉर्मल जीएसटी अप्लाई होता है वैसे ये भी अप्लाई होगा। आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस मेरे यहाँ पे 10 लाख रुपए का होगा नेक्स्ट ईयर, तो जब आप नेक्स्ट ईयर आएंगे हमारे यहाँ पे आप मुझसे नंबर ले लीजिए पहले, और 10 लाख का बिजनेस होगा, 10 लाख के ऊपर 18% के हिसाब से 1,80,000 रुपए का जीएसटी हमें दे दो, पहले ही दे दो, पहले दे दो पे आप जीएसटी, आप फिर हम आपको नंबर दे देंगे है? उसके बाद अब वहां पर जाकर के आपने अगर सेल करी 18 लाख रुपए की, 18 लाख रुपए की, ठीक है, तो 10 लाख में जीएसटी आप पहले दे चुके हो, 8 लाख में जीएसटी अलग से दे दो, और वो जीएसटी आप आगे से कलेक्ट कर लो किससे, जो जिससे को भी आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो। ठीक है, आपने 18 लाख का बिजनेस किया मेरे यहाँ पे आकर के, आपने 18 लाख में जीएसटी दे दिया, आप वापस चले गए, आप सो वो प्रोसेस पूरा हो गया, गवर्नमेंट को पैसा मिल गया, और उस कैजुअल टैक्स पेयर की
जो लिमिट होती है वो 3 महीने की होती है। अगर आपको 3 महीने से कम का काम करना है तो आप कैजुअल नंबर ले लो और अपना काम करो। अगर ओनली इनकम इज नो आउटगोइंग। ठीक है बेटा तनिष, यू गॉट माय आंसर? ओनली इनकमिंग नो आउट गोइंग, क्लियर? मुझे पता था बच्चे पूछेंगे कि सर अगर कम हुआ तो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ नो इन ओनली इनकमिंग नो आउट गोइंग। ठीक है। सो बेटा जनरली प्रैक्टिकली क्या होता है, अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे पता होता है कि मैं वहां जाकर के कितने का बिजनेस कर लूंगा, अगर मुझे लगता है कि मैं 15 लाख का बिजनेस कर लूंगा तो मैं जीएसटी 10 लाख भी भरूंगा, मैं कम भी भर देता हूँ पहले। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर मान लू वो रिवर्सल की सिचुएशन हुआ तो वो पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे लगता है कि मेरी टर्न ओवर 15 लाख जाएगी मान लेते हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 5 लाख भी जीएसटी भरूंगा सिर्फ। ठीक है, और जो डिफरेंशियल है वो बाद में भर दूंगा। एंड दिस इज हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स। प्रैक्टिकली सिचुएशन में देखोगे तो यही करो, आप भी करोगे, जब आप बैठोगे ना उस टेबल पे आपको लग रहा है कि यार 15 लाख रुपए का काम होना है, अब पता नहीं 15 का होगा या 14 का होगा या 16 का होगा, पता ही नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक काम करो 10 पे भर दो, 10 से तो जाएगा ना, 10 भर दो और ऊपर जो होगा वो बाद में भर देंगे, खत्म। क्लियर बेटा? तो एक तो ये सिचुएशन हो गई, दूसरा तीसरा सॉरी बेटा 1 मिनट देना मुझे। हाँ जी बेटा, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या करते हैं। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज ऑन इनवर्ड सप्लाई। ठीक है, तो अब क्या कोई बच्चा मुझे बोलेगा कि सर मुझे ये रिवर्स चार्ज बता दो, ये रिवर्स चार्ज क्या होता है, क्या कोई बच्चा है बोलने वाला, बताइए। इज देयर एनी पर्सन हु कैन से सर हमें रिवर्स चार्ज का मतलब बता दो? सबको पता है बेटा से मतलब क्या होता है? ठीक है, बेटा क्या नाम है, तनिष, आपको रिवर्स चार्ज का मतलब नहीं पता? बेटा मैंने 1 घंटा पूरा इसके कॉन्सेप्ट पे लगाया था, आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी क्या? बेटा प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी क्या आपने? वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या आपको रिवर्स चार्ज का मतलब पता है? अच्छा सॉरी, मैं आई मिस इंटरप्रेट, आई थॉट कि आप लोग पूछ रहे हो आपको मतलब ही नहीं पता, तो मैंने पूछा था, मैंने बोला कि आप क्या बताने की जरूरत है, तो आपने बोला नहीं। ठीक है सर, सॉरी बेटा मैंने मिस इंटरप्रेट किया। ठीक है, सो बेटा अगर आप लोगों को टैक्स पे करना है अंडर रिवर्स चार्ज ऑन इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड, तो आपकी टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है, आपको नंबर लेना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल ले देता हूँ फिर से, एक सेम एग्जांपल कि अगर मैं एक मेरी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, मैंने किसी लॉयर से अपना बिजनेस मॉडल रिव्यू कराया, लॉयर ने बोला सर 2 लाख रुपए की फीस है मेरी, मैंने कहा ठीक है सर दे दो, उन्होंने बिल रेस किया, मैंने उसको पैसे दे दिए टीडीएस काट करके। ठीक है, तो उस 2 लाख रुपए के ऊपर मुझे जीएसटी पे करना है, और जीएसटी पेमेंट करने के लिए मुझे नंबर लेना पड़ेगा, तो मेरी टर्नओवर अभी 0 है तो मुझे नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेन चीज पे, आगे कहाँ गया। हाउ एवर पर्सन इंगेज एक्सक्लूसिवली इन मेकिंग आउटवर्ड सप्लाईज टैक्स ऑन विच इज लाइबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। इसका क्या मतलब है सर, ये मतलब हमें बताओ सर, आप समझ रहे हो बेटा क्या लाइन लिखी हुई है? लाइन को ध्यान से पढ़ो, थोड़ा इसको एनराज कर दूं।
क्या लिखा हुआ है? However, person engaged exclusively in making outward supply, tax on which is liable to be paid on reverse charge basis are exempt from registration. मतलब क्या है? मतलब समझो बेटा ध्यान से. यह है मेरी कंपनी का नाम कुशल लिमिटेड, ठीक है बेटा. इधर है एक्स वाई जेड लिमिटेड, लिमिटेड नहीं सॉरी, एक्स वाई जेड एंड एसोसिएट्स. ये क्या काम करते हैं? ये एक लॉयर फॉर्म है, लीगल फॉर्म है. ये मेरा एक कंस्ट्रक्शन का काम है जो मैं काम अब शुरू करने वाला हूं, ठीक है बेटा. मेरी टर्नओवर भी कितनी है? मैं तो बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरी टर्नओवर जीरो है. मैंने बोला एक्स वाई जेड को कि सर मेरा मॉडल रिव्यू करो, क्योंकि सारे लीगल एंगल देखने पड़ेंगे ना बेटा कि सब कुछ सही है कि नहीं है, कुछ गलती तो नहीं कर रहा मैं, सारे ऑल द पॉसिबल एंगल्स आर एक्यूरेट और नॉट, ठीक है. तो इन्होंने बोला कि ठीक है सर हम कर लेंगे, हम आपसे 25 लाख रुपए लेंगे इस काम के. हमारा एग्री हो गया कि ठीक है 25 लाख रुपए जस्टिफाइड है, आप ले लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. बात ये आती है कि यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई मेरे लिए हो गई, ठीक है, मेरे लिए इनवर्ट सप्लाई हो गई. तो मुझे तो जीएसटी लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सेक्शन 24 कहता है कि अगर आप आरसीएम में जीएसटी पे कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो इस पे जीएसटी पे करना है 25 लाख रुपए 18% मुझे पे करना है, तो मुझे नंबर लेना पड़ेगा. लेकिन ये जो एक्स वाई जेड एसोसिएट है, क्या इसको भी नंबर लेना है? इस पे तो लिमिट पार हो गई, हो चुकी है 25 लाख रुपए, 20 लाख की लिमिट है, क्रॉस हो चुकी है. बताइए बताइए बेटा, क्या इसको नंबर लेना है एक्स वाई जेड को, क्योंकि इसकी 25 लाख की लिमिट हो चुकी है? अब बताइए क्या इसको नंबर लेना है नहीं लेना, इस बात का जवाब देना. यहां से यहां तक पढ़ने के बाद पढ़िए. नहीं बेटा थिंक नहीं, आई थिंक नहीं, सॉरी बेटा, यहां से यहां तक पढ़ो. यहां से यहां तक का मतलब क्या है? मतलब पढ़ो आप. तनिष प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन हियर. सारे बच्चे प्लीज वो देखिए लिखा क्या हुआ यहां पर. मैंने आपको एक सिचुएशन में डाल दिया है, ठीक है, उस सिचुएशन का आंसर यहां पर लिखा हुआ है. यहां से याद है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है. हाउ एवर पर्सन, पर्सन मतलब कौन इस केस में? अभी नहीं पता कि एक्स वाई जेड या कुशल, नहीं पता, ठीक है. एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन मेकिंग आउटवर्ड सप्लाईज, मतलब आउटवर्ड कौन कर रहा है यहां पे? आउटवर्ड ये कर रहा है ना, क्योंकि मेरे लिए इनवर्ड है तो इसके लिए आउटवर्ड है. तो पर्सन इंगेज एक्सक्लूसिवली, सिर्फ और सिर्फ, मतलब क्या है एक्सक्लूसिवली का? सिर्फ और सिर्फ ऐसी सर्विसेज में जब कोई पर्सन इंगेज है जो जिस सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज लगता है. तो लीगल सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज लगता है और ये सिर्फ और सिर्फ लीगल सर्विसेज देते हैं, तो इनको बेटा सरकार ने एग्जेम्प्ट कर दिया है, ठीक है, कि आपको नंबर नहीं लेना है. लेकिन अगर एक्स वाई जेड लिमिटेड कोई ऐसी सर्विसेज देता है अदर देन लीगल, मान लो कोई प्रोफेशनल सर्विसेज भी देता है, मान लो कोई प्रोफेशनल सर्विसेज भी देते हैं ये लोग, तो वो एक्सक्लूसिवली वर्ड में कवर नहीं होंगे, वहां से बाहर हो जाएंगे और उनकी लिमिट तो खैर क्रॉस हो ही चुकी है, दे आर बाउंड टू टेक द जीएसटी नंबर, ठीक है. अगर वो लोग एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड है, अगर वो लोग एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड है सिर्फ लीगल सर्विसेज के अंदर, तो उनको नंबर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है. अगर वो कोई और भी काम कर रहे होते हैं जिसपे जीएसटी लगता है, देन दे आर बाउंड टू टेक द जीएसटी नंबर, ठीक है. आगे चलते हैं बेटा, समझ में आ गया? तो हमारे 4 पॉइंट हो गए बेटा, 1 2 3 अच्छा सॉरी 3 ही हुए, ठीक है, चौथे पे आते हैं. कहता है
नॉन रेजिडेंट मतलब इंडिया से बाहर का बंदा, कोई जो रेजिडेंट नहीं है, टैक्सेबल पर्सन, कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। सिंपल सी बात है, अगर कोई बाहर का बंदा आकर के यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई कर दे रहा है, उसको नंबर लेना पड़ेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी टर्नओवर कितनी है। जैसे एक टूरिस्ट आया ऑस्ट्रेलिया से, माइकल क्लार्क आया इंडिया घूमने के लिए, अब उसको क्रिकेट खेलना आता है, ब्रेटली ले लो, ब्रेटली आया, ठीक है, उसको बॉलिंग अच्छी आती है ना, पेसर है, ठीक है। अब वो एक यहाँ पे किसी क्रिकेट एकेडमी में चला गया, आया था ऐसे घूमने के लिए कि ठीक है देखूंगा आईपीएल में कमेंट्री कर लूंगा, कुछ पैसे बना लूंगा, ठीक है। उसने एकेडमी में जाकर के 2 दिन अपनी सर्विसेज दी, वहां के लोगों को सिखाया कि कैसे बॉल डालनी है। टैक्सेबल सप्लाई है, प्रोफेशनल सर्विसेज है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट है या नहीं है, टैक्सेबल सप्लाई है या नहीं है, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, नंबर ले लो सर, नंबर ले लो। तो मैंने एग्जांपल दिया बेटा, हालांकि वो लोग ऐसा प्रैक्टिकली में करते नहीं है, उनकी सर्विसेज किसी और सेक्शन में जाती हैं, ठीक है, तो वो कवर नहीं होती, बट हाँ दे, अगर ऐसा कोई आ रहा है तो उसका नंबर लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कहता है फिफ्थ का पॉइंट, फर्स्ट एंड सेकंड, कहता है एवरी इको, एवरी इको, इको मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जो टैक्स कलेक्ट करता है। हालांकि बेटा ये बहुत इन डेप्थ के वाले पॉइंट्स हैं, अगर आप नहीं भी करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट मेरा काम है आपको बताना, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर, कॉमर्स ऑपरेटर कंपनी है जो टैक्स कलेक्ट करती है, जो टैक्स कलेक्ट करती है अंडर सेक्शन 52। अब इको क्या होता है, मींस एनी पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेज डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। मतलब क्या है, कौन है ये लोग, इको, इको बेटा होते हैं फ्लिपकार्ट, समझिए कैसे बोला मैंने, फ्लिपकार्ट ओन्स, वो लोग ऑन करते हैं, वही लोग ऑपरेट कर रहे हैं और वही लोग मैनेज कर रहे हैं, किसको, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी को और उस पूरे प्लेटफॉर्म को। तो अल्टीमेटली, अल्टीमेटली इको के ऊपर, जैसे आपको कुछ बच्चों ने स्टार्टिंग बोला था कि सर क्या हमें नंबर लेना पड़ेगा अगर हम फ्लिपकार्ट पे सामान बेचते हैं, बिल्कुल बेटा लेना पड़ेगा, टर्नओवर से कोई फर्क नहीं पड़ता, टर्नओवर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग आपको रजिस्टर ही नहीं करेंगे ना, ठीक है। सेम चीज बेटा यहाँ पे भी बोलता है कि अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो भी नंबर लेना पड़ेगा। पर्सन हु मेक्स टैक्सल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ इन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सल पर्सन, अगर आप किसी के बिहाफ पे टैक्सल सप्लाई दे रहे हैं तो भी आपको नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, इसका मतलब क्या है, देखो बेटा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं जरूर बताऊंगा आपको। आईएसडी का मतलब समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसका मतलब क्या होता है, आईएसडी का मतलब होता है बेटा आई, क्योंकि बेटा ये ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है जहाँ पे ना 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, आप बोलोगे सर ने तो बताए। अब जैसे देखो आईएसडी का मतलब क्या है, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एसबीआई का, एसबीआई कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इनकी होल इंडिया में ब्रांचेस हैं, और इंडिया में ब्रांचेस हैं, ये एडवर्टीजमेंट करते हैं बेटा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ एक,
जब एडवर्टीजमेंट करेंगे तो खर्चा होगा, एडवर्टीजमेंट का बिल कैसा आएगा कि एडवर्टीजमेंट सर्विसेज सपोज करो 50 करोड़ का, क्योंकि बेटा इनकी सर्विसेज, इनकी एडवर्टीजमेंट बहुत महंगी महंगी होती है ना, बहुत बड़े लेवल पे होती है, 50 करोड़, उसके ऊपर जीएसटी भी लगा होगा बेटा। तो जीएसटी मान लो है मोटा मोटी मान लेते 9 करोड़ रुपए की, मोटा मोटी मान लो बेटा, ठीक है, रफली। बिल कितने का आ गया? 59 करोड़ का बिल आ गया। अब ये तो जीएसटी क्या था, ये मेरे पास बिल आया है, किसके पास? एसबीआई के पास बिल आया है। किसने भेजा है? मान लेते ये काम कर रहे हैं कुशल जी, कुशल की कंपनी थी, एसबीआई की टीम ने बोला कि सर हमारे लिए हमारी एडवर्टीजमेंट करवा दो, ठीक है। मैंने कहा ठीक है जी करवा देंगे, मैंने कहा ठीक है जी, बिल मतलब 50 करोड़ का बिल होगा। उन्होंने कहा ठीक है सर, तो मेरे लिए क्या होगी 9 करोड़ रुपए? मेरे लिए है आउटपुट लाइबिलिटी, ठीक है। अब मेरे लिए आउटपुट लाइबिलिटी, तो मैं क्या करूंगा, इस पैसे को सरकार को जमा करवा दूंगा, किससे लेकर के? एसबीआई से। और एसबीआई के लिए क्या होगा, ये आईटीसी हो जाएगा। क्लियर क्लियर है ना? लेकिन अब बेटा ये खर्चा जो किया 50 करोड़ रुपए का, ये किसने किया? एसबीआई ने। अब इसका लेकिन जो 9 करोड़ रुपए का इनपुट है, ये किसके पास जाना चाहिए? एसबीआई के पास। लेकिन एसबीआई के तो पूरी इंडिया में रजिस्ट्रेशन है, हर स्टेट के अंदर है, समझ रहे हो? जो इनके रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं वो तो पूरे स्टेट में है, मतलब सॉरी पूरी पूरी इंडिया में है, ठीक है। खर्चा एक जगह से हो रहा है, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि हर हर स्टेट अपनी अपनी ब्रांच से पैसे दे रहे हैं, जी दे ले लो जी हमारी एडवर्टीजमेंट कर लो, ऐसा तो है नहीं। ये खर्चा कहाँ से होता है? ये खर्चा होता है कॉरपोरेट ऑफिस से। मतलब किसी एक जगह से, जो लोग सबका ध्यान रखते हैं, मतलब अपनी पूरी ब्रांचेस का ध्यान रखते हैं, ठीक है। ये 9 करोड़ रुपए किसको मिलेगा? इनको मिलेगा यहाँ पे। और कॉरपोरेट ऑफिस में आउटपुट लाइबिलिटी नहीं होती है, समझ रहे हो? कॉरपोरेट ऑफिस में आउटपुट लाइबिलिटी नहीं होती है, क्यों? क्योंकि बिजनेस तो ब्रांचेस के पास है, यहाँ तो सिर्फ खर्चा हो रहा है, तो यहाँ पे 9 लाख 9 करोड़ रुपये यहाँ पे इकट्ठे किया जाता है, ये बढ़ता रहेगा हमेशा खर्चा, ठीक है। तो सरकार ने बोला कि ठीक है, इसको एक काम करो, आप ना सबको बांट दो, हर स्टेट को बांट दो। लेकिन बांटोगे कैसे? तो उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट आया कि मतलब देखिए, इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस, ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस। मतलब कि मान लो आपके पास यूपी है, बिहार है, ठीक है, दिल्ली है या मुंबई है, ठीक है, मान चार के एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लो सबसे ज्यादा बिजनेस जो आ रहा है आपका यूपी से आ रहा है, फिर आ रहा है आपका बिहार से, फिर आपका आ रहा है आपका दिल्ली से, फिर आ रहा है आपका मुंबई से, ठीक है। तो इनकी जो रेशियो बनती है वो बनती है मान लेते 4:3:1, 4:3:2:1 की रेशियो बनती है। तो जो 9 करोड़ रुपए हैं वो इस रेशियो में इन सबको भेज दिए जाएंगे। तो इसका एक प्रोसेस होता है बेटा, एक आपको आईएसटी नंबर अलग से अप्लाई करना पड़ता है। तो इसने क्या बोला कि अगर आपके पास इस एक्ट में रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो तो आपको इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। टर्नओवर का मतलब भी नहीं है, नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है बेटा? कॉन्सेप्ट क्लियर है? जब भी हमको भी इनपुट ऐसे हमें बांटने की जरूरत पड़ जाती है तो हम आईएसटी के अंदर नंबर अपना अप्लाई करते हैं एज पर सेक्शन 24, ठीक है। कोई भी पर्सन अगर इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है, कैसे? ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल, विच इज OIDAR सर्विसेज, फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन सेक्शन 5। मतलब आप बाहर बैठ के
इंडिया में सर्विसेज दे रहे हो डेटा रिट्रीवल की, जैसे टेलीग्राम, जैसे लिंक्डइन, जैसे फेसबुक, जैसे गूगल, उन लोगों को भी इन नंबर लेना पड़ता है। हालांकि वो तो टर्नओवर में भी काउंट हो जाते हैं, बट ठीक है। या फिर गवर्नमेंट किसी को बोले आपको नंबर लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने बोला चल तुम्हें हमें मतलब नहीं है तुम्हारी टर्नओवर कितनी है, आपको नंबर लेना पड़ेगा, जैसे ही टैली प्राइस। हालांकि बेटा अगर मैं देखूं तो वो स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर नहीं है, वो एक टूल है, वो एक प्रोडक्ट है, नॉट अ इंफॉर्मेशन। ठीक है बेटा तनिष, टैली प्राइम एक टूल है ना कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। उसने हमें प्रोडक्ट दे दिया, हम उसको अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं, ठीक है, बट स्टिल दे हैव टेकन द नंबर, डोंट वरी। उसको नहीं, उनके एजेंट से नंबर ले रखा हुआ है, ठीक है, उनके एजेंट से नंबर दे रखा हुआ है। टेली प्राइम ने आईएसडी में नंबर लिया हुआ है, आईएसडी में ये कहाँ गया ये रहा, क्योंकि क्योंकि टेली प्राइम एडवर्टीजमेंट कर रहा है, खर्चा कर रहा है, लेकिन वेरिफिकेशन मिल रहा है उसके सारे एजेंट्स को, ठीक है। हाँ तो ये है बेटा हमारा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है बेटा, ये है हमारा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कोई डाउट हो बताइए। एनी डाउट? बेटा एनी डाउट बताइए, अगर नहीं है बेटा तो मैं आज की क्लास को यहीं पर रैप अप करूंगा, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, यू मस्ट बी सीइंग नोटिसिंग फ्रॉम माई वॉइस, बट आई जस्ट थॉट कि आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन समझा दूँ, तो थोड़ा सा हेल्थ इज नॉट सपोर्टिंग दिस बिकॉज ऑफ अ चेंज इन वेदर, नथिंग एल्स, बट नो वरीज, हमारी कल की क्लास भी सेम टाइम पे होगी, प्रोबेबली वो हमारी नॉर्मल क्लास चलेगी जो हमारी चलती है, ठीक है बेटा। इफ नो डाउट लेट्स पैक अप एंड लेट्स मीट टुमारो एट द सेम टाइम, ठीक है। हाँ जी बेटा, थैंक यू बेटा, ठीक है बेटा, मिलते हैं कल, तब तक प्लीज इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए और कंटेंट बेटा शाम तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास के अंदर, ठीक है बेटा, बाय, टेक केयर।